नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है मंगलवार और डेट है अक्टूबर 31, 2023। पहली जो खबर हम कवर करने जा रहे हैं तो डिफेक्शन केस से होने जा रही है, महाराष्ट्र के अंदर से, इंडियन पॉलिटी से होने जा रही है। एक्साइज केस, केजरीवाल समंड, ये करप्शन इन गवर्नेंस के अंदर से होने जा रहा है। न्यू मशरूम स्पीशीज, ये वेस्टर्न घाट से होने जा रहा है, फ्लोरा एंड फौना एनवायरमेंट सेक्शन के अंदर से। यूनाइटेड नेशन वोट ऑन गाजा, ये इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर से होने जा रहा है, एडिटोरियल सेक्शन से। वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ये हमारा डाटा सेट के अंदर से होने जा रहा है, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में। लेबर वर्कर्स राइट के अंदर से। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप अपने डिवाइसेज के ऊपर पा सकें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पहले यहाँ पर आप एक अपनी स्क्रीन पे क्विज देख सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आज 31 अक्टूबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है और ये इनका 148वां बर्थ एनिवर्सरी है 2023 में। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे गए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, ऐसे ये क्वेश्चन हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें और जो आंसर्स हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें जब आप सॉल्व कर लें इन क्वेश्चंस को। खबर के साथ शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पुट्स महाराष्ट्र स्पीकर ऑन डेडलाइन ओवर डिफेक्शन प्लीज। तो ये पहली खबर जो है ये महाराष्ट्र से होने जा रही है। न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूंगा। तो महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों से पॉलिटिकल उथल पुथल बहुत ज्यादा चलती है। वहां पर सबसे पहले जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट बनी महाराष्ट्र में चुनाव के बाद, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना पार्टी थी उसने नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके वहां पर सरकार बनाई। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो उद्धव ठाकरे थे, जो सीएम थे महाराष्ट्र के, उनकी ही पार्टी से एक अलग फैक्शन निकलकर चला जाता है और इसके जो नई जो शिवसेना बनी है इसके चीफ मिनिस्टर बनते हैं एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे का एक कैंप इधर बन जाता है और दूसरा कैंप बन जाता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, दूसरा कैंप होता है पहले में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और दूसरे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना। उसके बाद जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है महाराष्ट्र की, वहाँ पर भी अब कुछ दिनों बाद सेम देखने को मिलता है कि यहाँ शरद पवार हैं और यहाँ अजीत पवार पहुँच गए हैं। ये पार्टी जो है एनसीपी, इसके अंदर भी हमें तोड़ देखने को मिलता है कि ये टूट जाती है पार्टी और दो गुटों में बट जाती है। अब ये जो अजीत पवार वाली पार्टी है ये यहाँ पर एकनाथ शिंदे कैंप के साथ मिल जाती है जाकर, और अब जो अपोजिशन बचा है जो कि हमारी शरद पवार वाली पार्टी है और साथ ही इधर हमारी उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है, ये जाकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं एक पिटीशन, और इस पिटीशन में ये दावा करते हैं कि जो स्पीकर है महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली का वो फैसला नहीं दे रहा है टाइमली। किस चीज़ के लिए फैसला? डिफेक्शन का फैसला। अब आप समझ लें कि डिफेक्शन क्या होता है, कि एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में पहुंच जाना किसी भी मतलब से, तो इसे डिफेक्शन की कैटेगरी में लाया जाता है भारत के अंदर। और इससे बचने के लिए एक लॉ बनाया गया पार्लियामेंट द्वारा 1985 के अंदर, जिसे कहते हैं हम एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ को बनाने के साथ साथ जो 10th शेड्यूल है इसे भी बनाया गया। 10th शेड्यूल में जो चीज़ें रहेंगी वो डिफेक्शन से बचा सकती हैं, तो 10th शेड्यूल भी यहाँ पर हमें देखने को मिला 1985 में। इसके बाद अब क्या आया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेजेंट डे स्पीकर हैं राहुल नरवेकर, ये महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर हैं, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 दिसंबर से पहले पहले ये जिस जिस लेजिस्लेटर को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत बाहर कर देना है उसे बाहर कर दें और जल्दी से जल्दी अपना फैसला लें, क्योंकि देखने को मिला है ये कि ये जो नए स्पीकर बने हैं महाराष्ट्र असेंबली के ये एकनाथ शिंदे कैंप के ही हैं और ये नहीं चाहते कि इनकी गवर्नमेंट जो चल रही है इस वक्त महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट वो जल्दी से गिर जाए। और अगर डिफेक्शन देखने को मिलता है तो जो भी मेंबर होगा उस असेंबली का वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब कि वहां पर वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, और जिसकी वजह से अगर वोटिंग कराई जाएगी बाद में मेजॉरिटी प्रूव करवाने के लिए असेंबली के अंदर, तो एकनाथ शिंदे वहां पर हारते हुए नजर आएंगे। तो इन चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 31 जनवरी 2024 से पहले पहले आपको नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जो भी डिस्प्यूट है स्पीकर को इस चीज़ के ऊपर फैसला लेना पड़ेगा, और 31 दिसंबर 2023 से पहले जो एकनाथ शिंदे कैंप है उससे रिलेटेड जो फैसले हैं वो स्पीकर को लेने पड़ेंगे। तो ये दो फैसले
के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम नहीं चाहते कि ये जो मुद्दा चल रहा है असेंबली में वो 2024 के चुनाव तक पहुंचे। आगे हम चलते हैं। ईडी समन्स केजरीवाल फॉर क्वेश्चनिंग इन एक्साइज केस। यहां पर अब बैकग्राउंड समझ लें तो करीबन जब लॉकडाउन खत्म हुआ था उसके बाद दिल्ली सरकार की तरफ से एक नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई जाती है जिसका नाम दिया जाता है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22। अब ये जब पॉलिसी ले आई जाती है तो उसके बाद से क्या देखने को मिलता है कि इस पॉलिसी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, साथ ही साथ जो केंद्र की गवर्नमेंट है, केंद्र की एजेंसीज हैं, वो इस पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र बनाए हुए थी और कुछ इररेगुलरिटीज उन्हें पता चलती हैं इस पॉलिसी के अंदर, जिसके बाद जो केजरीवाल गवर्नमेंट है, जो ये पॉलिसी लेकर आई थी, जिसने पॉलिसी बनाई थी, वो इस पॉलिसी को वापस ले लेते हैं। लेकिन अब जब केस चल रहा है और ये केस सीबीआई साथ ही साथ ईडी के पास भी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी, तो ईडी ने सबसे पहले मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसके बाद राज्यसभा मेंबर हैं आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, उनकी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये जेल में हैं। इसके बाद अब हमें देखने को मिल रहा है कि केजरीवाल को दूसरी बार पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया है। इससे पहले भी एक बार केजरीवाल को पूछताछ में बुलाया जा चुका है अप्रैल 16 में, उस टाइम पर सीबीआई ने केजरीवाल को बुलाया था और इस टाइम पर अब जब 2 नवंबर को बुलाया गया है, समन किया गया है, तो ये किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। तो आपको समझना है यहाँ पर कि जो आम आदमी पार्टी है उसका कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट हमसे डरती है और इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो वहाँ पर थोड़ा करप्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो नई एक्साइज पॉलिसी आई थी, आपको अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड रहते थे तो आपको पता चला होगा कि दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी स्कीमें लाई गई थी जिसमें एक शराब की बोतल के दाम पर 2 शराब की बोतल बांटी जा रही थी और वो सब चीज़ें इस एक्साइज पॉलिसी के अंदर से ही आ रही थी। और इसके बाद ये गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस एक्साइज पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया। लेकिन जो बनाई गई थी ये पॉलिसी और माना जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा करप्शन हुआ है, उस चीज़ की जाँच अभी तक ईडी और सीबीआई कर रही है। अब इसी को लेकर ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को समन किया है। आगे हम चलते हैं। रिसर्चर्स आइडेंटिफाई ए न्यू मशरूम स्पीशीज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। तो ये एक नई मशरूम की स्पीशी है जो कि भारत के पश्चिमी घाटों से मिली है और ये पाई कहाँ गई है, तो कैंपस में ही पाई गई है, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिक गार्डन और रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि पैलोड में स्थित है, थिरुवनंतपुरम के अंदर। तो ये केरला से है, तो आप देख सकते हैं ये मशरूम है जो जिसकी नई स्पीशी है, ये पाई गई है वेस्टर्न घाट के अंदर से। इसका नाम दिया गया है कैंडोलियो माइसिस एल्बोस्को मोसस, ये इसका नाम दिया गया है, आप इस नाम को याद रखें। आगे हम चलते हैं। लॉस्ट वॉइस, ये हमारा यूनाइटेड नेशन में एक वोटिंग हुई थी पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के अंदर, और इस वोट में देखने को मिला था कि भारत ने इस वोट में हिस्सा नहीं लिया था। और ये वोट किस चीज़ से रिलेटेड था, तो ये वोट रिलेटेड था, ये जो वोटिंग की कराई गई थी रिलेटेड थी इसराइल और गाजा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसे तुरंत रोक देने के से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिला कि भारत ने कोई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और एब्सटेन कर दिया वोटिंग से, इसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल लिखा है। ये एडिटोरियल में कहते हैं कि भारत का जो फैसला था वोट से एब्सटेन कर जाने का, वो इस वजह से देखने को मिला क्योंकि जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के अंदर ये जो वोटिंग कराई गई और जो पैराग्राफ रखा गया, तो पैराग्राफ में 7 अक्टूबर का जो टेरर अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर हमस के आतंकवादियों द्वारा, उनका एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं किया गया है, जिसे लेकर जो इसराइल है साथ ही यूएस है, इन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि जो 7 अक्टूबर 2023 का हमस आतंकवादियों द्वारा इसराइल पर अटैक था उसे एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाए इसमें, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब यहां पर ये बात करते हैं कि भारत का पहले भी यही रवैया रहा है कि भारत यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच में भी जब सीज फायर को लेकर फैसला हुआ था, कोशिश की गई थी कि सीज फायर एक बनाया जा सके, उस टाइम पर भी हमें देखने को मिला था कि भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था और भारत एब्सटेन कर गया था वोटिंग से। अब ये बात करते हैं कि 2018 में जब गाजा और इसराइल के बीच में थोड़ा युद्ध चल रहा था, उस टाइम पर हमें देखने को मिला था कि भारत ने जब वोटिंग कराई गई थी यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो भारत ने जो वोटिंग कराई गई थी और उस वोटिंग का मुद्दा था कि इसराइल गाजा के ऊपर जो अपना बॉम्बिंग कर रहा है उसे बंद कर दे, सीज कर दे, इस चीज़ पर भारत ने एग्री किया था। लेकिन अब जब 2023 हम देख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि वर्ल्ड की जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो चेंज हो गई है,
साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है ये भी अपनी चीज़ जो अपना इनका वे ऑफ रूल था उसे भी ये चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि ये एक स्टैंड स्टील मोड पर कि हम ना इस साइड चलेंगे ना इस साइड चलेंगे, या ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ ये एडिटोरियल में कहते हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना था, भारत को यहाँ पर जब इसराइल और गाजा के बीच में वोटिंग थी तो वहाँ पर उस वोटिंग में पार्ट लेना था, और अगर भारत को आपत्ति थी कि जो 7 अक्टूबर का टेरर अटैक कराया गया इसराइल के अंदर वो उसका मेंशन एक्सप्लिसिटली नहीं है इस पैराग्राफ के अंदर, तो भारत को अपनी तरफ से एक एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट लिख देना था वोट करते हुए टाइप। जब वो वोट करता है भारत तब उसे एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपना एक्सप्लेनेशन भी दे सके। तो ये कहते हैं कि भारत को एक्सप्लेनेशन ऑफ वोट पर साइन कर देना चाहिए था, लिख देना चाहिए था कि उसे 7 अक्टूबर के अटैक का डायरेक्ट रेफरेंस चाहिए था इस पैराग्राफ के अंदर, जो कि उसे देखने को नहीं मिला है। और ऐसा किया है, ऐसा फ्रांस ने किया है, फ्रांस ने यही चीज मेंशन की है। तो ये कहते हैं कि भारत को भी ऐसा कुछ करना था और इस टाइम पर एक साइड कहीं पर उन्हें अपना वोट रखना था। अब मैं आपको बता चुका हूं कि भारत की जो पॉलिसी है इस टाइम पर वो सेफ पॉलिसी चल रही है। डिप्लोमेसी में भारत किसी भी मुद्दे पर ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था जब 2021-22 में शुरू हुआ था, उसके बाद जब यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई उस वक्त भी भारत एब्सटेन कर गया, और अभी हमें पिछले हफ्ते जब ये इसराइल की और गाजा की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है इसमें भी भारत एब्सटेन कर गया। लेकिन ये चीज़ हमेशा अच्छी नहीं रहेगी, एब्सटेन कर देना सेफ खेलना हमेशा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में G20 की समिट कराई गई थी भारत में, और भारत एक अच्छा होल्ड है। भारत चाहे तो दोनों तरफ से बात करके चर्चा करके इस मुद्दे को सॉल्व करवा सकता है, और ये जो पीस की बात है तो भारत एक वर्ल्ड लीडर की तरह से उभर कर आ सकता है यहाँ पर। लेकिन जो देखने को मिलता है तो वही देखने को मिलता है कि इस टाइम भी जब वोटिंग कराई गई तो भारत उस वोटिंग से एब्सटेन कर गया है। आगे हम चलते हैं, पुटिंग द 70 आवर्स वर्क वीक, ठीक है, ये हमारा एक चार्ट सेक्शन से होने जा रहा है, आप मैप वन में मेरे साथ आ जाइए। तो ये बताता है कि एक दिन में एक इंडिविजुअल जो कि 15 से 29 साल के बीच में है वो एक दिन में कितना एम्प्लॉयमेंट में अपना समय देता है या अपना कमाने से रिलेटेड एक्टिविटीज में कितना अपना समय देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9.6 घंटे, यूपी में 8.3 घंटे, मध्य प्रदेश में 7.7 घंटे, राजस्थान में 8.7 घंटे, गुजरात में 9 घंटे, महाराष्ट्र में 9 घंटे, ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 घंटे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये बेसिकली जो है ये नागालैंड और मणिपुर के टाइम का, यहाँ पर ये आपका नागालैंड है और ये मणिपुर है, तो ये आप देख सकते हैं एवरेज क्या है। इसके बाद आप चार्ट टू पर आ जाइए, तो चार्ट टू पे यहाँ पर ये दो अलग चार्ट है, यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ। ऊपर वाला चार्ट हम देखेंगे तो एनुअल एवरेज वर्किंग आवर्स देखते हैं कि साल में कितना वर्किंग आवर एवरेज एक इंडिविजुअल का भारत के अंदर काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ देख सकते हैं, ये सबसे पहले हम देखेंगे जर्मनी का, तो जर्मनी का जब हम 1951 की बात करेंगे तो इतना था एवरेज वर्किंग आवर 2402, उसके बाद ये कम होता गया और 1386। भारत का आप देख सकते हैं वहीं का जैसा 1970 में था उसी के अराउंड बना हुआ है आज भी। मतलब क्या है कि भारत के अंदर प्रोडक्टिविटी जो है वो नहीं बढ़ रही है और टाइम हम उसी जगह पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाहिए होंगे भारत के अंदर ताकि हम कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकें। इसके बाद हम लेबर की प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो 1951 से यहाँ शुरू होता है। जर्मनी की आप प्रोडक्टिविटी देखें कि एक लेबर 1 घंटे में कितना पैसा बनाता है, तो यहाँ जर्मनी की अगर हम बात करें तो करीबन $70 प्रति घंटा जर्मनी में बनाया जाता है एक लेबर द्वारा। उसके बाद जापान की बात करें तो करीबन $43 प्रति घंटा, और भारत की बात करें तो केवल $9 प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज भी 2020 तक का यह आंकड़ा है, यहाँ पर भी जो भारत की रफ्तार है लेबर प्रोडक्टिविटी में वो आज भी कम है बाकी हम कंट्रीज से अगर कंपेयर करवाएंगे तो। इसके बाद इस चार्ट से आप देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अपना एक्टिविटीज़ में टाइम स्पेंड करती है आवर्स में, तो टीवी और रेडियो में तो जर्मनी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडिया कम है। टीवी स्पोर्ट्स में भारत 0.08%, जर्मनी 0.43%, और जापान ये भारत से ऊपर है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि जनसंख्या जो है जापान और जर्मनी की वो भारत से बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद अनपेड वर्क वगैरह में तो जापान में अनपेड वर्क में जैसे NGO वगैरह में काम करने वाले बहुत हैं, वॉलेंटियर करने वाले जर्मनी में बहुत हैं, भारत के अंदर बहुत कम है। मतलब यहाँ पर आदमी पैसे के लिए ही ज़्यादातर काम करता है। उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़ भारत के अंदर 1.8%, सोना भारत 8.8%, 8 घंटे माफ कीजिएगा 8.8 घंटे, ये जो डाटा है ये घंटों में है, तो भारत में 8.8 घंटे ही सोना हो पाता है, मतलब ज़्यादा है ये। बाकी देश से हम कंपेयर करेंगे जैसे जर्मनी से तो यहाँ 8.8
3 घंटे और जापान 7.4 घंटे। यहाँ हम घर के काम की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा घर का काम 2.5 घंटे ये टाइम लेता है। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की है, जिसकी एक सैलरी फिक्स नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर नहीं आता। तो आप यहाँ जापान और जर्मनी देख लें तो केवल ऐसे कितने हैं, 10 इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर हम भारत देखेंगे तो भारत में करीबन 90% ऐसे लोग हैं जो इनफॉर्मल वर्क करते हैं, जो जो रोजगार जो है उनका इनफॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये डाटा सेक्शन से था, आगे हम चलते हैं। मराठा कोटा स्टेट से है ये, तो आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में मराठा कोटा के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इस वक्त उग्र चल रहा है। उसी को लेकर एक खबर निकल कर आई है कि जो मराठा लोग हैं उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो अलग फैक्शन बना है, मैंने अभी आपको पीछे समझाया है, एकनाथ शिंदे के अंदर जो गए हैं अजीत पवार की पार्टी में, उनके 2 MLA के घरों पर आग लगा दी। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये जो आरक्षण है, ये मराठा डिमांड कर रहा है कि हमें, हम महाराष्ट्र के सबसे पहले से यहाँ से रह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी, तो हमें अलग से आरक्षण दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आगे आपका दिन शुभ हो, त्योहारों का सीजन आ रहा है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।